हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये 2 महीने इनको लटका के रखा हुआ था अडेनियम्स को हमने, और अब इनको निकाल के इनकी प्रिपरेशन समर्स के लिए कैसे करनी है, जिससे कि हमारा ये कॉडेक्स भी मोटा हो जाए और फ्लावरिंग भी बहुत हो। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे अडेनियम जो टांगे थे 2 महीने पहले, अब ये थोड़े सॉफ्ट से लगने लगे हैं, है ना। तो अब मैं इनको उतार लेती हूँ, है ना। और ये देखिए, यहाँ इनकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, है ना। इनको उतार के अब मैं आपको बताती हूँ धो के, वॉश करके पानी में। तो फ्रेंड्स, इनको धोने के लिए डाला है जो उन पे हमने वो लगाई हुई थी ना फंजीसाइड, और जो रूट्स इतने दिनों में हार्ड हो रखी थी वो अब थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। तो ये इनको अच्छी तरह से धो के मलमल के ऐसे धो देंगे ताकि सारा वो फंजीसाइड निकल जाए, है ना। और फिर इनको थोड़ी देर छाया में रखेंगे, कम से कम 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। तो उसमें जो इनकी बेकार रूट होंगी वो भी निकल जाएंगी सारी। ये देखिए निकल रही ना अपने आप, कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं अभी। देखिए निकल गया, इसको अब मैं इधर छाया में रखे दे रही हूँ। इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला एडेनियम है उसको भी हम अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इतने दिन की जो डस्ट वस्ट लगी है वो, और जो रूट्स में हमने लगाया था फंजीसाइड, वो अच्छे से निकल जाए। इसकी भी अच्छे से निकाल देंगे, रूट्स जो हार्ड हो रही हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी थोड़ी, है ना। देखिए फ्रेंड्स, इनको इस तरह से हमने छाया में रख दिया है 10-15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, ये इसमें से अब 15-20 मिनट हो चुके हैं। इस पानी में मैंने एंटी फंगस पाउडर डाला हुआ था, वो बाविस्टिन है मेरे पास, मैंने वही डाला हुआ था। अब इनको निकालते हैं। तो इससे क्या है, पानी में रखे रहने से ये इनकी रूट्स भी अब एक्टिव हो गई होंगी और ये प्लांट्स भी अब स्ट्रेस फ्री हो गए होंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो इसके ऊपर की ये जो छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं, जैसे कि ये है, इसका तो हमको चाहिए नहीं, तो इनको हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी एक प्लांट की एक शेप बनने लगेगी जो हमारी हम चाह रहे हैं, है ना। इसको बिल्कुल साइड्स बिल्कुल बराबर से काट देते हैं। ये मैं आपको पूरी काट के दिखाती हूँ कि इसको मैंने कैसे कर रही हूँ ना। ये तो मेन रूट्स तो हमारी ये हैं, इनको ही रखना है हमें। मेन रूट्स तो हमारी ये हैं, हमको इनको रखना है। ये जो ऊपर से निकली हुई हैं इसके वो ट्रंक पे से, इनको तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा रूट्स हमने काटी हैं उन पे अच्छी तरह से फंगस पाउडर हम लगा देंगे। ये मेरे पास बाविस्टिन है, मैं वही लगा रही हूँ, है ना, ताकि इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए। देखिए ये हो गया ना। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा लगाऊंगी अभी, ताकि इसके ये प्रॉपर इसमें आए ना। ये जो मैंने पॉटिंग सॉइल बनाई है इसकी कैक्टस की, इसमें मैंने 1 पार्ट इसमें सैंड लिया है, 1 पार्ट इसमें मैंने ईंट का चूरा लिया है, 1 पार्ट इसमें मैंने गार्डन सॉइल ली है, और 1 पार्ट इसमें कंपोस्ट ली है। साथ में मैंने इसमें 1/2 पार्ट इसमें वो मिलाया है कोयला, चारकोल और बोन मील, 2 चम्मच बोन मील, इस पॉट के हिसाब से मैंने 2 चम्मच बोन मील मिलाया है, और 1 चम्मच इसमें मैंने नीम की खली, और 1 चम्मच मिलाया मैंने इसमें एंटी फंगस पाउडर, यही बाविस्टिन, ठीक है। तो इस तरह से मेरी ये तैयार हुई है। और इसमें नीचे मैंने पॉट में नीचे काफ़ी सारे पीसेस रख दिए थे, टूटे गमले के टुकड़े, ताकि मेरा ड्रेनेज होल बिल्कुल फ्री रहे, उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। अब मैं इसको लगा रही हूँ इसमें। तो अभी मैं इसको थोड़ा ऊंचा करके लगाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसकी जो मोटी मोटी रूट्स हैं ऊपर आके वो दिखें और इसके एक अच्छा शेप बने। ये देखिए, ये इस तरह से इसको कवर कर देंगे मिट्टी से, हर तरह से बिल्कुल बीच में रख के सेंटर में, कि कहीं से कुछ उसमें गैप ना रहने पाए।
ठीक है। तो ये इसमें ये स्टैंड हो गया। अभी इसकी प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करना है हमको, क्योंकि अभी प्लांट अभी भी स्ट्रेस में ही है, और 15 दिन तक इनको हम इसी कंडीशन में रखेंगे, उसके बाद प्रूनिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं इसको सहारे के लिए इस पे पहले तो स्प्रे कर देती हूँ मैं, ये स्प्रेयर से। पानी इसमें पूरा भर के नहीं डालना है, 15 दिन तक हमको पानी डालना है, लेकिन 3 दिन छोड़ के, एक बार डालेंगे, फिर 3 दिन रुक के, मतलब 2 दिन रुक के फिर 3rd डे पानी डालेंगे, है ना। इस तरह से डालेंगे ताकि प्लांट ठीक से सेटल होने लग जाए। अचानक से किसी भूखे आदमी को आप बहुत सारा खाना दे दो तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना खाना खा के। यहाँ भी अप्लाई होती है ना। इसी तरह से हम करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है कि नीचे तक निकल जाए, अभी नहीं देना है, ठीक है। इसी तरह से रखेंगे थोड़ा सा कि रूट्स उसकी थोड़ी सी सेटल होने लग जाएं। ठीक है, तो अभी ये गिर ना जाए इसके लिए मैं यहाँ इसको सपोर्ट दे दे रही हूँ थोड़ा सा पत्थरों से। ये देखिए, ये मैंने पेंट किए हुए मेरे स्टोन्स हैं, ये इन्हीं कामों में आते हैं ये वाले। अभी 10-15 दिन में ये प्लांट अच्छी तरह से अपनी रूट्स ले लेगा। इसको इधर रखती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से मैं दूसरे को भी लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसको अच्छे फूलों के लिए तैयार करना समर्स के लिए, विंटर्स में जो हमने लटकाया था उसके बाद का है ये। तो आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने प्लांट को लगाने में। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।